हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीअंजलि फैशन बुटीक। आज मैं देखिए आप लोग को बोट नेक ब्लाउज डिजाइन का कटिंग स्टिचिंग दोनों शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ब्लाउज का हम कटिंग कर लिए हैं और ब्लाउज का हम लेंथ लेंगे। ये देखिए ब्लाउज का हम नेक का ले विथ लेंगे 3.5 इंच। शोल्डर रखेंगे हम इसको 3.5, 7 इंच का शोल्डर है इसका। यदि इसको हम ड्रॉ करेंगे और इसको गोलाई कर देंगे। देखिए पीछे से गला का डिजाइन बनाने के लिए हम 7 इंच लेंगे लेंथ। आप इसका नेक विथ लेंगे 3 इंच। इसमें आप जैसा चाहे वैसा आप गला बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए हम इसको लंबा सा शेप दे रहे हैं। आप अपना पसंद से जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। इसका बैक हुक रहेगा। ये पैडेड ब्लाउज है। जो भी पैडेड ब्लाउज में आगे भी हुक रहता है, पीछे भी रहता है, लेकिन आगे पीछे वाला हुक का अच्छा लगता है। देखिए बिना बकरम से हम बनाते हैं, हमको बकरम से उतना अच्छा नहीं लगता है। जल्दी से कस्टमर को ज़्यादा ब्लाउज देना रहता है ना, इसीलिए बकरम में टाइम लगता है। जब पाइपिंग से अच्छा बन जाता है तो फिर बकरम लगाने की क्या है, इसलिए हम डायरेक्ट पाइपिंग लगा देते हैं। पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे। लोग बकरम लगा सकते हैं, बकरम से थोड़ा सा फिनिशिंग ज़्यादा रहता है, पाइपिंग से भी अच्छा फिनिशिंग हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। आप लोग देखिए ब्लाउज कि बकरम वाला भी फिनिशिंग है कि पाइपिंग वाला भी फिनिशिंग है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर पाइपिंग लगा देंगे डायरेक्ट। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।